इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के डेट में गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है तो उससे पहले उसका एक डिजिटल कॉपी डिजी लॉकर पर इशू कर दिया जाता है। डिजी लॉकर का यूज करने से हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th और 12th के मार्कशीट, राशन कार्ड और यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस तक के डॉक्यूमेंट आप उसमें एक डिजिटल कॉपी के रूप में रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका इन सभी में से कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कहीं भी मिस भी हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप डिजी लॉकर के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसका यूज आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर सर्च कर लेना होगा। डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद डिजी लॉकर ऐप को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहला आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसको करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले सिक्योर का आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि क्लाउड बेस पे है। परमिशन या बिना आपके ऑथेंटिकेशन के आपका कोई भी डाटा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इजी एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि आप इसमें बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बता दिया था कि आप यहाँ पे किस तरह के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप इशू करवा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज के ऑप्शन पर दिए गए हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे जिस भी आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इशू करवाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पहली बार आएंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पहला फुल नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मेल है या फिर फीमेल उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, जो ईमेल आईडी आप परमानेंटली यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन जनरेट करना होगा और उसको हमेशा के लिए याद करना होगा। अब दोस्तों आप चलिए, हम यहाँ पे इसको फिल करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सभी डाटा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका वेरीफाई आधार, आपके आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा यहाँ पे आप उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे इंटर आधार नंबर के ऊपर अपना आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने आधार का नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले से बना होगा तो आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अगर आपने पहली बार बनाया होगा तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाएगा। अब दोस्तों हमारा तो बन चुका है, तो हमने यहाँ पे साइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। साइनिंग करने का दोस्तों यहाँ पे आपको 3 मेथड मिलते हैं। सबसे पहला मोबाइल नंबर, दूसरा आधार, उसके बाद तीसरा यूजर नेम। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर से साइनिंग कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फिर से साइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों वेरीफाई ओटीपी मांगेगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। ओटीपी आपके नंबर पे चला जाएगा, जो भी आपने नंबर पहले से दिया होगा। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही OTP डाल के वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह से जो भी आधार कार्ड पे इमेज होगा उसका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप अपना इशू करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट को किस तरह से इशू करवाएंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों अगर हम इस एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ों को बता देंगे तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप शायद से इसमें कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाते हैं तो दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर से बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इसमें अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को किस तरह से इशू किया जाता है और हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।